हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम आ रखे हैं पारसुंडई में, जो कि यहाँ पे आपको हनुमानगढ़ जंक्शन में, ये आपको सतीपुरा बाईपास है जो यहाँ पे ये लोकेटेड है। तो आज हम यहाँ पे रिव्यू करने आ रहे हैं i20। तो बने रहें इस वीडियो में। तो गाइस, अगर हम स्टार्ट करें इसके फ्रंट से, तो सबसे पहले आप इसकी की देख लीजिए, और जो अंदर पहले आपको शोरूम देख लीजिए। शोरूम थोड़ा ऐसा है, पारसुंडई पे हम आए हुए हैं। और अगर हम स्टार्ट करें इसके फ्रंट से, तो सबसे पहले हम इसके लाइट्स पे जाते हैं। तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर DRLs मिल जाएंगे, और i20 की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी, और इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे आपको फोग लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, और जो इसकी ग्रिल है ना भाई, बहुत ही बढ़िया, मतलब डैशिंग लुक है। वरना से आपको इंस्पायर्ड मिलेगी ये। और अगर हम वरना दिखाएं आपको, तो वरना खड़ी है, ये वरना और ये i20, थोड़ी थोड़ी इंस्पायर्ड आपको दिखेगी। और अगर हम बात करें इसके साइड में, तो आपको यहाँ पे 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, डायमंड कट जो है। सबसे मैंने ये टॉप मॉडल है एस्टा, ऑप्शनल है ये, बहुत ही शानदार है जो। और अगर हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं, तो आपको इंडिकेटर्स भी टर्निंग मिलेंगे, ऑटोमेटिक आपको मिरर्स मिल जाते हैं, जो आपके डोर पैनल्स हैं, डोर पैनल्स कह रहा हूँ सॉरी, डोर हैंडल्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे क्रोम में। और अगर आप उधर, मतलब ड्राइवर साइड है जो, उसमें अगर देखेंगे, तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और अगर हम साइड में बात करें, तो यहाँ पे आपको क्रोम की बिल्डिंग मिल जाएगी, बहुत ही शानदार जो लगती है। और अगर हम बैक में चलें, तो यहाँ पे जो आपको LED टेल लैम्प्स मिल जाएंगे, i20 की बैजिंग और हुंडई की बैजिंग, आपको इसमें डिफोगर और रेयर वाइपर का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग सारी मिल जाएगी। मैंने जैसे आपको कहा था, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, अगर हम देखें तो रिक्वेस्ट सेंसर को यूज़ करके बूट हम देख लेते हैं एक बार। बात करें इसके जो बूट स्पेस है, इसमें आपको 431 लीटर का आपको जो 451 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। बोस के आपको यहाँ पे सब बूफर्स मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार, आपने इसका रिस्पॉन्स सुन लेंगे आगे जाके। और यहाँ पे आपको बूट लैंप्स ऑफर किए जाते हैं इस वेरियंट में। और अब चलते हैं हम इंटीरियर की ओर, और बात करते हैं हम आगे। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आप इसके इंटीरियर से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन। जैसे मैंने आपको बताया, टॉप मॉडल है ये, तो टॉप मॉडल में तो सारा कुछ ही मिल जाएगा आपको। और अगर हम साइड में देखें ना भाई, ये लाइट्स देखो आप यार, एम्बियंट लाइटिंग आपको इसमें मिल जाती है। और अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपको 4 विंडोज़ पावर डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो इस कार की खास बात है ना, मतलब जो ये वेरिएंट है उसकी, ये है बोस के, इसमें जो आपके स्पीकर्स हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं। तो साउंड भी आपको मैं सुनाता हूँ अभी। और अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपको बहुत ही, जैसे किया में हमने देखा था, वैसा ही ये सेम ही आपका मिल जाएगा आपको, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि बहुत ही शानदार लगता है हमें यूज़ करने में भी। और हम बात करें, तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, और 12 वॉट का आपको यहाँ पे USB कह रहा हूँ सॉरी, आपका ये चार्जर सॉकेट में मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको AC इसमें मिल जाता है। और अगर हम बात करें, जो बेस्ट फीचर है, बेस्ट इन सेगमेंट हम कह सकते हैं इसको, जो इसका सनरूफ है, आप देख सकते हैं सनरूफ आपको इस वेरियंट में ऑफर किया जाता है, टॉप एंड मॉडल है। तो ये देखो भाई, ऑसम। और जो ये हम वेरिएंट देख रहे हैं, पेट्रोल का वेरिएंट है, बहुत ही ऑसम। यहाँ पे आप स्टिचिंग देखेंगे, तो वाइट कलर में आपको यहाँ पे स्टिचिंग मिल जाएगी, कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको नहीं मिलता इसमें, जो आपका सिंपल स्टीयरिंग है वही मिलता है, सिल्वर की आपको यहाँ पे फिनिशिंग मिल जाएगी, बहुत ही शानदार जो लगती है। सेफ्टी की बात करेंगे इस, तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं हुंडई की तरफ से। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर भी आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये
आपको एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे भी मिल जाएगी, उधर भी मिल जाएगी। और यहाँ पे जो इसका मटेरियल है ना, बहुत ही मस्त, जो लगता है आपको सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड टच है, पर बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आपको जो सारा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह जो बहुत ही सारा कुछ बहुत बढ़िया है इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये देख लीजिए, ये बॉटल टाइप सी है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आ जाती है। और अगर हम बात करें MID की, तो MID हम स्टार्ट नहीं कर सकते एक्चुअली गाड़ी, तो ये कुछ ऐसी है, MID डिजिटल है फुली। और अब आप इसका जो बॉस के जो स्पीकर्स हैं इसमें, उसका रिस्पॉन्स सुन लीजिए। Okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far, play. जो इसका आउटपुट था आपने सुन ही लिया, बहुत ही शानदार आउटपुट था इसका। और गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय।